Dear students, welcome on RC Online Patsala. Now we start another question. X plus 1 ka whole 4, X plus 3, X minus 2 ka whole cube, X square plus 1. देखिए, इस question को किस type में करेंगे? ध्यान देना. आपको एक बार बताता हूं मैं, आप x अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये इनइक्वालिटी का बेसिक फंडा होता है. लेकिन आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है, तो आप फिर उस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अब देखो, इस पूरे को ध्यान देना. इस पूरे पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस पर आओ. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसमें आप कुछ भी रख के देखो, आपका मन करे वो, हमेशा ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा. देखो, अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस टेन लेते हो, तो माइनस टेन का होल स्क्वायर क्या होता है, हंड्रेड. और हंड्रेड प्लस वन क्या होगा, हंड्रेड प्लस वन क्या होगा, वन हंड्रेड वन. इस टाइप से तो ये ऑलवेज क्या हुआ, पॉजिटिव है. और पॉजिटिव है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, एक्स प्लस वन का होल फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब. अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, इसको आप सीधा कहां भेज दो, जीरो में. एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, जीरो से. देखिए, आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है. आप एक काम करो, टेन माइनस टू क्या होगा, एट. एट का क्यूब क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी. और आप एक काम करो, माइनस टेन माइनस टू का होल क्यूब यानी माइनस ट्वेल्व का होल क्यूब करो, तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा. अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. और जब ऐसा आपको नजर आए, तो आप यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये इनइक्वालिटी की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं. तो आप यहां तो कंफर्म हो गया ना कि ये पॉजिटिव है. अभी मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं, यहां तो हमें पता लग गया. लेकिन कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी मिलती है जिन पर हमें पता नहीं लगेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव. उनका फंडा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये आपको मिला, इसको आपने जीरो में मल्टीप्लाई किया तो जीरो बन गया, और ये क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू जीरो. इतना होने के बाद तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए. फोर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, देखो, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन. और x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री. और यहां पे x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x नॉट इक्वल टू टू. ये आपको मिल चुके हैं. उसके बाद देखिए, आप इन सबको इस नंबर लाइन पर लिख दीजिए, माइनस इन्फिनिटिव, और यहां पर ये इन्फिनिटिव हो गया. अब देखो, माइनस वन कहां आएगा, माइनस थ्री यहां पे आएगा, फिर टू आएगा, और उसके बाद माइनस वन और टू. अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दो, यहां तो आपको हमेशा पॉजिटिव साइन ही यूज करना है. उसके बाद देखो, टू कहां से आया, टू आया यहां से. अब टू, एक्स माइनस टू की पावर क्या है, ओड है. और जब ओड पावर है तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव. साइन चेंज होगा. प्रीवियस वीडियोस देखना, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. पॉजिटिव नेगेटिव. अब माइनस वन कहां से आया, माइनस वन आपको यहां से मिला था. और इसकी पावर क्या है, फोर है. पावर क्या है, फोर है. फोर क्या है, इवन है. इवन है तो आप माइनस का माइनस भी रखोगे. उसके बाद देखिए, माइनस थ्री कहां से आया, माइनस थ्री यहां से मिला था. और इसकी पावर क्या है, वन. तो वन क्या है, ओड पावर है. तो क्या होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा. उसके बाद देखो, ग्रेटर दैन इक्वल टू है, डार्क सर्किल सभी पे आने चाहिए थे, लेकिन किस पे नहीं आएगा, टू पे नहीं आएगा. तो टू पे तो आप लगाओ ब्लैंक सर्किल, और इन पे क्या लगा दो, डार्क सर्किल.
ये तो कंप्लीट। अब आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू पे आपका ये आंसर सही होगा, एल पॉजिटिव वाला। तो देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस थ्री, और कहां से होगा, टू से इन्फिनिटिव तक। अब मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पे ओपन इंटरवेल आते हैं, और माइनस थ्री पे क्या है, डार्क सर्किल, डार्क सर्किल का मतलब क्लोज इंटरवेल हो गया, और इस पे क्या आएगा, ये लो, और उसके बाद दोनों को यूनियन। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये यूनियन लगाते ही है। अब ये पॉइंट, केवल ये पॉइंट इंक्लूड करना है, क्योंकि डार्क सर्किल है इस पर। देखो ये तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रहा, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, लेकिन ये पॉइंट तो क्या है, डार्क सर्किल का है, तो इसे कैसे लिखोगे, माइनस वन, और किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे इसको। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, और इन वीडियोस को आप 2-3 टाइम्स देखिएगा। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन।